बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल ब्लू ब्लडेड में। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आप सबकी दुआ और अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और मजे में। तो देखिए फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है ब्लू ब्लडेड। चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो फुल वॉच किया करें, वीडियो अच्छी लगती है हमारी वीडियो, और चैनल को फैमिली और फ्रेंड्स से ज्यादा शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने का भी कहें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय भी वीडियो रिलेटेड लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे दूसरे चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पर भी विजिट करें, इंशाल्लाह ताला आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी। हमारे दोनों चैनलों पर ज्यादातर इवनिंग टू डिनर टाइम जो है शेयर किया जाता है। इवनिंग में देखिये शाम का टाइम हुआ है, चाय का पानी रख लिए, चाय का पानी और दूध इकट्ठा करके रखा है, ठीक है। दूध चढ़ाया हुआ है बॉयल होने के लिए, जैसे ही इसमें बॉयल आएगा इसमें चाय पत्ती डालेंगे। दूसरी तरफ हम बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप जो इंस्टेंट बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर का यूज करेंगे। वैसे सिस्टर ने मुझे पहले चिकन की हड्डियां और चिकन बॉईल करके दिया हुआ है, ठीक है। वो नॉर्मल देगची में बॉईल किया था, पर हमने इसमें कुछ और पीसेस डाले हैं चौड़ियों वाले, तो वो भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी जो है बॉयल हो जाए, ठीक है। ये दिखाओ, ये वाले हमने चौड़ियाँ डाली हुई हैं इसमें, ये वाली, ठीक है, और बाकी चिकन की हड्डियाँ हैं, ठीक है। इसका अच्छा सा स्टॉक निकाल लें, अच्छा सा इसका स्टॉक निकालेंगे और बनाएंगे चिकन कॉर्न सूप, ठीक है। ठीक है भाई, अंडे वंडे डाल के ना मज़ेदार सा बिल्कुल दुकान स्टाइल वाला इंशाल्लाह ताला सूप बनाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, इंशाल्लाह। सूप और फ्रेंच फ्राइज जो है ना, हम इधर इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं फ्राची कंपनी में, एक बहुत फेमस है ना सूप वाला, चिकन कॉर्न सूप वाला, तो उसका यही है कि वो साथ में फ्रेंच फ्राइज भी देता है, तो हम इकट्ठा ही पीते होते हैं ना। यस, यानी कि पहले सूप खाते हैं, सूप पीते हैं और फिर फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है फ्रेंच फ्राइज और सूप वाला, है ना जी भाई। ये देखिए, ठीक है, आज शाम में होंगे मजेदार सा सूप और इसके अलावा मजेदार सी चाय। चाय बनाने के लिए ये देखिए दूध रखा था, दूध में आगे अच्छा खासा बॉयल, आप इसमें पत्ती डालेंगे, जी जी, खूब सारी पत्ती डालेंगे, अच्छी सी चाय काटते हैं और इसमें डाल देंगे सब्ज इलायची। सब्ज इलायची से ये होता है ना चाय का मजा जो होता है दोबाला, ये दोबाला हो जाता है। इलायची बहुत महंगी है पर फिर भी हम जरूर अपनी चाय में यूज करते हैं ना जी भाई, इलायची का यूज जो है चाय में जरूर रखते हैं। ये दो सब्ज इलायची हमने पीस ली है, ये डाल देंगे और इसमें डाल देंगे चुटकी भर नमक, बिस्मिल्लाह। इससे क्या होता है ना, ये मेरे वाले साहब की जो है दादों की ये जो है ट्रिक है, इससे चाय में आएगा अच्छा सा प्यारा सा कलर, ठीक है। ये देखिए, तो चाय दूध पत्ती इस तरह से बनाई जाती है, देखिए ये दूध पत्ती है ना, ये चाय नहीं है, इसे दूध पत्ती कह सकते हैं, यानी कि हमने दूध को काढ़ा है, दूध में थोड़ा सा पानी डाला था, दूध को काढ़ा और इसमें डाल दी पत्ती और सब्ज इलायची, ठीक है। ये दूध पत्ती बन रही है आज हमारे किचन में, ये देखिए दूध पत्ती में ना थोड़ी सी पत्ती जो है तेज रखनी पड़ती है ना, ये अच्छा मजा आता है ना। तकरीबन ये हम 1.5-2 किलो दूध की जो है दूध पत्ती बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अब चाय भी साथ साथ बनती रहेगी, दूध पत्ती, ये देखिए, और साथ में आज हम शाम को बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप और उसके साथ बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले तरीके वाली। ये देखें, ये आलू जो है काफी सारा हमारे पास आया हुआ है, और काट और छीलू, जी जी, सब तो, केक एक प्लेट होगी, बाली भी आ गया ना, यस बॉयल आ गया ना। तो इधर देखिए, मैंने आलू पील करके रखे हुए भी हैं, सिंक में रखे हैं ताकि मैं साथ साथ इन्हें धोता जाऊंगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आलुओं को हम पील करते जा रहे हैं, तो हम तो खूब सारे चिप्स खाते हैं, जब चिप्स खाते हैं तो बहुत बनते हैं चिप्स, तकरीबन 2-3 दड़ी आलू के चिप्स बना लेते हैं एट अ टाइम, है ना, क्योंकि सब जो है हमारे घर में चिप्स जो है सबके फेवरेट है, वाली साहब, वालदा साहिबा, सिस्टर,
प्यारा भाई जुनेद मेरी सबके फेवरेट जी है। जी बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंच फ्राइज। तो हम फ्रेंच फ्राइज जो है सही भर भर के खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मौसम भी बहुत प्यारा हो गया ना भाई। यस यस ठंडा ठंडा मौसम है तो काफी दिल करता है इस तरह की चीजें खाने का। फ्रेंच फ्राइज वगैरह इस तरह की चीजें घर में बना लो ना तो हेल्दी भी रहती है। अच्छा सामने तेल जो है अपने अच्छा यूज किया है, चीजें अच्छी यूज की है तो फिर कोई तकलीफ भी नहीं होती है ना। यस और घर में बनी चीज की बरकत भी होती है, टेस्ट भी अच्छा होता है और हेल्थ वाइज भी अच्छी होती जी है जी। तो ये मैं आलू पील कर लूं फिर मिलते हैं। ये हमारे पास छुरियां इस तरह की काफी सारी हैं, इनसे क्या होता है ना इस तरह से जिगजैग टाइप टेस्ट बनता है। ठीक है ये सारे बना लो फिर मिलती हैं आपको। फ्रेंड मेरी प्यारी सिस्टर ने मुझे ये फ्रेंच फ्राइज बना के दिए हैं और ये भी फ्राइज बन के पड़े हैं। यस ये देखिए आप इनसे क्या करना है ना, कमर्शियली बना रहे हैं तो ये कॉर्नफ्लोर लेंगे, ये इसके ऊपर डस्ट कर लेंगे। इसको आप फ्लेवर वाला भी कर सकते हैं, मतलब कॉर्नफ्लोर को ना कटोरी में निकाल के और अपनी साफ की सीजनिंग इसमें डाल सकते हैं, मतलब काली मिर्च, नमक और रेड मिर्च वगैरह। यस और हम वैसे भी बनाते होते हैं ना, सादे भी बना लेते हैं, ऊपर से सीजनिंग डाल दो।
इसके ऊपर किशमिश डालेंगे। कॉर्नफ्लावर जो होता है ना, अगर ऑयल फ्राइंग में गंदा हो गया ना, तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालें ना, तो ऑयल ऐसा हो जाएगा जैसा पैकेट से आपने भी निकाल दिया। तो ये एक टिप है कॉर्नफ्लावर की, तो देखना लास्ट में ये तेल देखना कितना ये क्लियर और प्योरीफाई होगा, ठीक है। yes. ये हमने इसमें फ्रेंच फ्राइज डाले, बस अब इसको कुछ भी नहीं करना, इसको कवर अप कर दीजिए, ठीक है। ये कोकोनी दरमियानी आंच करके, और मैं इधर जो है इनू जो है छीलता जा रहा हूँ, छीलता नहीं काटता जा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सूप जो है हमने उतार दिया, चिकन कान सूप वो अच्छे से पक गया। अब एग्स जो है बॉयल होने के लिए रखे हैं, पांच अंडे रखे हैं ना। yes, पांच अंडे, पांच पांच सर्विंग है ना, पांच बोल बनाने हैं, तो पांच एग्स बॉयल होने के लिए रखे हैं। इधर जो है फ्रेंच फ्राइज बन रही है, बिल्कुल इनको छेड़ना नहीं है, बस चम्मच चम्मच नहीं फेरने। और ये देखें, इसको फ्राई होने देते हैं। आज हम फ्रेंच फ्राइज के साथ जो है ना चटनी बना रहे हैं अच्छी सी,
क्योंकि कभी कभी जो है केचप जो है ना फ्रेंच फ्राइज के साथ नहीं अच्छी लगती, तो पुदीने की चटनी बना रहे। ये इकट्ठी पुदीने जिसे हमने धो लिए अच्छे से, हमारे पास धनिया भी है, धनिया भी मिक्स कर सकते हैं, पर पुदीने की बनाते हैं। बीच में डालेंगे लहसुन और बीच में डालेंगे अच्छी सी खूब सी मिर्चें, है ना, खूब सी मिर्चें और टमाटर, ठीक है, पुदीना और टमाटर की चटनी बनाएंगे। और ये देखें कितनी खूबसूरत मिर्चें हैं, ये काली वाली साहब जो है ना सब्जी की ढेरों ढेर शॉपिंग करके आए। यस, और अभी हम बताएंगे डिनर में हमने क्या बनाना है ना। यस यस इंशाल्लाह, ये दही वाली चटनी बना रहे हैं हम, ऐसे सिरके वाली भी बना सकते हैं मिर्चों वाली, ठीक है। ये तेज है मिर्च? जी जी तेज है, तेज है ना। यस, ये तरह है, थोड़ा सा इसमें सिरका डालेंगे और तेल भी डालेंगे, ठीक है। लास्ट में नमक डालेंगे क्योंकि दही के, अभी हम इसमें दही डालेंगे ना। yes. थोड़ा पानी लगाना पड़ेगा ना। और साथ में हम बना रहे हैं ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस बनाने के लिए हम ले लेंगे यहाँ से इसमें बड़े साइज का बाउल भी है ना भाई? यस, इसमें हमारे पास इससे बड़ा और सबसे बड़ा yes. उससे बड़ा 3-4 साइज है ना जी। ये मैं डाल देता हूँ, एग भी बॉयल हो रहे हैं। अब हम बनाते हैं बिस्किट का ऑरेंज जूस, जो कि हमारे घर में रोज ही बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और सबका फेवरेट है ना। yes. पैक्टो वाले तो बहुत जूस पीते हैं, पर जो ये फ्रेश ऑरेंज जूस का मजा है ना, फ्रेश जूसेस का मजा है कि कहीं भी नहीं मिलता आपको, ये रियल एनर्जी वाला। पैकेट वाला तो टेट्रा पैक जो मिलता है वो प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, जूस नहीं होता, चीनी होती है और उसमें एसन वगैरह डाल के दे दिया जाता है, दे दिया जाता है। ये प्योर जूस है, देखो पल्पी जूस होगा ये। यस, हालांकि हम नेस्ले का, शीजान का, टॉप्स का, इस तरह के जूस जो है, रानी जूस जो है जिसका पहले नाम होता था मिनट मेड, मिनट मेड अब रानी है, वो भी पीते हैं, पर ये जो ओरिजिनल बनता है ना, बहुत जूस पी है लेकिन जो ओरिजिनल जूस है ना उसका मजा और है।
कैसे साफ हो गया है ना तेल है ना। यस इसमें सीजनिंग डालो बेटा और सर्व करो सबको बेटा। डालो जी। ये गई काली मिर्च, ये गया चाट मसाला, ये गया रेड चिली, रेड चिली, और दही 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 ला के ना डालो उसमें। सिस्टर ने पहला बैच जो है भाई जुनेद और प्यारी सिस्टर को, प्यारी वालदा साहिबा को सर्व कर दी है। यस। अब जो है सिस्टर जो है जूस भी सर्व करेंगी, वाली साहब को आने में थोड़ा टाइम है ना, तो फिर उनको गरम गरम सर्व करेंगे चिप्स है ना। जी इंशाल्लाह। ये जूस भी वालदा साहिबा को दिया जाएगा है ना। यस। अंडे भी हमारे उबल गए ना। यस, एग्स बॉयल हो गए, बस चिप्सों का खत्म होना, फिर वो कॉर्न सूप जो है बना सकते हैं। ठीक है। ये काला नमक थोड़ा सा इसमें जाएगा। ठीक है। ये देखिए जूस बन गया मेरा, फ्रेश फ्रेश जूस। चलो लास्ट बैच बन गया। चाय सर्व कर लेते हैं, सिस्टर ने जूस वगैरह सबको सर्व कर दिए, चिप्स भी सर्व किए, मेरी भी फिक्की चाय रेडी कर लूँगा। अच्छा, बस मेरा मेरा और सिस्टर का जो है लास्ट बैच है चिप्स का। जी भाई, मेरी भी भाई आज क्यों फिक्की चाय निकालना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाओ। हाँ। आज चाय नहीं, आज दूध पत्ती, आज दूध पत्ती है। यस यस, चाय ना बोले इसे, इसे दूध पत्ती कहेंगे। इसे दूध पत्ती बोले। देखा है ना इसके मलाई, मलाई मोटी है ना। यस, मोटी मोटी मलाई, मोटी मोटी मलाई है। यस। चीनी को पकने देते, साथ में हम जूस भी एंजॉय कर रहे हैं और चिप्स भी। चाय दियो, दूध पत्ती भी रेडी होगी। हाँ, मेरे और प्यारी सिस्टर के मजेदार सी दूध पत्ती चाय तैयार है। वो इधर करो कप,
यस, अब हम इंशाल्लाह चाय के साथ चिप्स एंजॉय करेंगे। बराबर हो गए, थोड़े से लाल हो गए। तो देखे फ्रेंड, टी टाइम कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सबने खाए फ्रेंच फ्राइज, सूप पिया, चिकन कान सूप पिया और चाय पी, मजेदार से सबको मजा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है डिनर की तैयारी कर रहे हैं। टी टाइम तो हो गया हमारा, अब डिनर में बना रहे हैं मूली और चिकन का सालन। देखे मूलियां कितनी फ्रेश है, दिखाओ मूलियां, देखे कितनी ताजी है, दो गट्ठे हैं मूलियों के। ये पत्तों समेत डालेंगे, यानी कि इसके पत्ते भी डालेंगे जो हरे पत्ते हैं, ठीक है। मूली चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पर चिकन ले लिया, तकरीबन एक पूरा चिकन होगा, है ना, एक से ज्यादा है थोड़ा सा। प्याज छीलकर चॉप करके सिस्टर ने रखा है, लहसुन छीलकर चॉप करके रखा है, अदरक है, हरी मिर्च है और टमाटर है, ठीक है। और दो पैन मैंने इधर चढ़ाए हुए हैं, इसमें पानी उबलेगा क्योंकि एक में हम मूली उबालेंगे जी, और एक में चिकन को भूनेंगे, मसाला बनाएंगे जी, एक में चिकन का मसाला बनाएंगे, यानी कि चिकन मूली बनाने के लिए चिकन का मसाला तैयार करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह। तो ये देखें, मैं तकरीबन डेढ़ गड्ढा यूज करूंगा, पूरा दो गड्ढे यूज नहीं करूंगा, उस हिसाब से मैं तेल ले लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा ना मूली में तेल थोड़ा ज्यादा ही जाता है ना, क्योंकि ये भुनी हुई अच्छी लगती है। इसमें जाएंगे, ये कितने प्याज हैं हमारे पास, प्याज दो हैं दरमियाने और लहसुन भी दो हैं दरमियाने। ये प्याज चला गया और ये डेढ़ लहसुन चला गया, पूरी तो नहीं दो पकानी है ना, नहीं डेढ़ बनानी है ना आपने, ठीक है। ये चला गया लहसुन और अदरक, अब ये लहसुन और प्याज जो है कुक होगा, ठीक है। यस, जब तक ये कुक हो रहा है हम क्या करते हैं, हम मूलियाँ जो है रेडी कर लेते हैं, सही है, ठीक है भाई। चीज़ों को थोड़ा सा भी साइड करते हैं और मूलियाँ साफ कर लेते हैं, एक ही गड्ढा पकाना है, सिस्टर कह रही है ना। यस, आधा और ले लें जी, ले लो ना, ले लो आप। यस, ठीक है।
ठीक है तारों को देखते हैं। रसम अदरक डालना है। यस भाई बिल्कुल। चिकन और मूलियों के हिसाब से हम चीज़ें डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले की टर्मरिक पाउडर, बिस्मिल्लाह का हीम, रेड चिली, सॉल्ट, गरम मसाला, ब्लैक पेपर। यस, चिकन है ना तो ब्लैक पेपर जरूर चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलेंगे ना। मूलियां स्पाइसी अच्छी लगती है, सही है? यस। ये सब हो गया इसमें। अब मैंने एक और काम भी करना है, थोड़ा सा इसको मसाले को हम रोस्ट करेंगे। ठीक, थोड़ा सा ये रोस्ट पे आएगा और साथ में हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर रखी हुई है छोटी बात का बड़ा तमाशा, यू नो,
दिया देखो। साथ ही डाल देते हैं ताकि टमाटर भी गल जाएगा, ये भी खुल जाएगी, दो काम एक साथ हो जाएंगे। सूलियां काटना, ये सूलियों को कट करेंगे। यस, इसको मैं चिकन कुक भी कर लूंगा, इतना पानी डाल रहा हूँ जिससे चिकन मेरा कुक हो जाएगा, क्योंकि मूलियां तो हमने गलानी है ना। जी जी, चिकन कुक भी कर लूंगा और चिकन को लास्ट में भून लूंगा, इसलिए मैंने पानी ज्यादा डाला। अभी ये बर्फ वाला है और भी छूटेगा पानी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया जबरदस्त काम। चिकन में 90% कुक कर लूंगा, 90-95%। ठीक है, यस, क्योंकि मूली तो हम गली में डाल रहे हैं ना। जी बिल्कुल, फिर दोनों को मिला के तो फिर भूनेंगे, दम देंगे, दम देना। यस, ताकि मूलियाँ जो है अपने अंदर मसाला चिकन वगैरह वाला अब्सॉर्ब कर लें। ठीक है भाई, चलो अब मैं और सिस्टर मिलके मूलियाँ छीलते हैं। ये वाले इंग्रेडिएंट्स इनफ होंगे और ये जो पत्ते हैं ना, ये भी मैं यूज करूँगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये लो। देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर ने कराई हेल्प और help. ये होगी छिल। यस, ये छिल गई है, ये वो हो गई है, वो छिलका उतार दी है ना। यस, छिलका उतार, पील कर दी, पील कर दी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इस तरह से बीच में से दो चॉप करेंगे और इनको बारीक बारीक स्लाइस कर देंगे। ठीक है, यस, ये देखिए इस तरह से। और साथ साथ डालते भी जाएंगे। साथ में हमारी चिकन भी पक रही है, उसको फिर हम एंड में भूनेंगे ना। यस, चिकन भूनना जरूरी है ना, गोश्त भूनना जरूरी है, उसको भूनेंगे फिर साथ में, ये उबली भी होंगी, ये डाल देंगे फिर वो भून के, ये भून लेंगे, भून के फिर दोनों चीजों को जो थोड़ा सा इसका पानी होगा, सिस्टर माशाल्लाह एक्सपर्ट है ना, रेसिपी सुनते हुए पक रही है। ये कर लो फिर बोलते। और हाँ हाँ, एक और चीज है कि ये देखिए, ये हम यूं सूखते जाएंगे नाल नाल, नालो नाल ना पानी वैसा। ठीक है, इस तरह से। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये पत्तों का हम यूज करेंगे, इसके पत्ते देखिए नोकीले होते हैं, आपको लगते भी हैं, ये मैं खुद ही ऑटोमेटिक आगे छोटे छोटे पत्ते खुद ही आ जाएंगे। यस, सही कह रही ना भाई आप, ये देखे पूरी गठिया खोले, गठी खोलूं कि आगे से पत्ते उतारूं? नहीं नहीं, सारे नहीं ना। अच्छा, ये हाँ, आगे ये, से छोटे छोटे पत्ते, ये देखिए, सही कह रही हो ना। ये कैसा सिस्टर ने प्यारा बताया, ये बड़े जो है ना, ये सही नहीं होते ना। हाँ, पर बड़े जो है मीठा कर देते हैं। ये जैसे ये पत्ते, ये वाले लवे पत्ते जिसे लवे कहते हैं, ये देखो ये फ्रेंड्स, ये ऐसे पत्ते छोटे, बस ये नहीं, ये बड़े बड़े नहीं ना, ये नहीं पाने, ये सही है, ये भी सुटो उसको। हाँ, ये होंगे ना। अब ये दूसरी गठन से भी ले देखो। चलो, इधर में सब्जी मुझे
तो लगता है इसके पत्ते काटते हैं आगे से। नहीं ये है ना नॉवेल पूरी देखे बनी हुई इकट्ठी जैसे अल्लाह ताला ने रखी थी अंदर, है ना जी। ये वाले पत्ते अंदर और भी छोटे छोटे ये देखे छोटे छोटे बेबी पत्ते बस बस ये हाँ ये पत्ते होते हैं लोग ये सूट ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना कि पहले इनको धोएंगे जैसे साफ धोया जाता है फिर इनको यूज किया जाएगा और इनको मैं बूली गलाते हुए साथ ही डालूंगा साथ ही डालूंगा क्योंकि ये भी सख्त होते हैं जरा। ये वाला नहीं है जब तक वो नुचड़ते हैं हम मुझे काट के मैं और सिस्टर यूं डालते हैं तो मिलते हैं ठीक। ये फ्रेंड्स आप चेक करते हैं चिकन बुनाई पे आया और साथ मूलियां देखते हैं क्या गली है। अरे वाह चिकन बनाई के तेल ऊपर आ गया देखिए। अब इसको हम भून लेंगे चिकन को और मसाले को ठीक है बेस्ट तरीके से भूनेंगे क्योंकि चिकन की बुनाई और मसाले की बुनाई जो है ज़बरदस्त तरीके से हो तो हांडी अच्छी बनती है ना जी। मुझे तेल कम लग रहा है भाई कम लग रहा है आपको क्या लग रहा है ठीक ही लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा तेल कम लग रहा है क्योंकि हमने मूलियाँ बढ़ा ली थी यस तो सिस्टर इस चीज़ में एक्सपर्ट है जानती है जी जी। सिस्टर की राय जो है काफ़ी कीमती है हम तेल थोड़ा सा डाल लेते क्योंकि मूली है ना मूली में अगर तेल नहीं होगा तो मूली अच्छी नहीं लगती और बुनाई बनाई भी नहीं होती ना बस मूली चिकन को थोड़ा सा और भूनते हैं तेल भी पका लेते हैं मूली को चेक करते हैं गल गई है देखो ना मूली की क्वांटिटी देख लो ना यस ज्यादा है तो बस ये हो गया हमारा ये डन है। अब मूली चेक करते गल गई है ये बस मूली डन यस जो कसर रहेगी ना ये जो पानी है इसमें डाल के पकाएंगे ठीक है पकाएंगे यस चलो एक
ठीक है, थोड़ा सा मैं मूली को भून लूंगा, बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, इसके जूसेस मारने नहीं है, थोड़ा सा भूनूंगा फिर इनको। अब ये देखिए थोड़ा सा हमने भून लिया ना, अब ये मूली वाला पानी डालना ही डालना है इसमें, ठीक है, ये असल इसका जायका है और ताकत इसी है। ये इसका स्टार्च था ना, ये स्टार्च है, ये जाएगा, ये होगा मिक्स मिक्स, ताकि मूली जो है ना अपने अंदर नमक मिर्च जो है अब्सॉर्ब करे, ठीक है, फीकी फीकी ना रहे, जो मूली में कसर रहती है पक भी जाएगी, वैसे कसर तो है ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में डाल देंगे इमली का पल्प, यस, गैर ममनुआ चीज, बिल्कुल लास्ट में जाएगी, अगर मूली कच्ची होगी ना डाल देंगे, कभी मूली कली होगी नहीं है चिकन। अब इसको तेज आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट कुक करेंगे शोरबा गाढ़ा होने तक, ठीक है, इसको कवर अप कर दो, ये डन हो गया तकरीबन। और इसमें लास्ट में थोड़ा सा जाएगा सफेद जीरा, बिल्कुल जरा सा सफेद जीरा, इस तरह से ये खुशबू अच्छी लाएगा इंशाल्लाह। और इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला, सिस्टर जो है रोटियां डालेंगे, ठीक है, चलो ये तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर अप होगा तेज आंच पे। रोटियां बनके तैयार है, यस सिस्टर ने रोटियां बना ली हैं, आप सर्विंग कर रही हैं सालन की, देखे माशाल्लाह कैसे धुएं उठ रहे हैं ना, यस माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चिकन मूली बनके रेडी हो गया और रोटियां भी बनके रेडी हो गई।